हेलो फ्रेंड, मैं से कहते साम जी एच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे OSSTT क्वेश्चन जनवरी 2024, यानी जो आज हुआ है OSSTT क्वेश्चन, उसी के सारे हिंदी क्वेश्चन को आलोचना करेंगे। और उसके साथ मैं बता दूं, SSB TGT क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो है डी सेट मैं लिया हूँ आलोचना पे। तो आपका जो है सभी का क्वेश्चन जो है सेम रहता है, पर किसी का जो है 41 नंबर, किसी का 81 होगा, किसका 60, किसका 65 होगा, ऐसा, पर क्वेश्चन जो है सभी का सेम है। ओके, तो डी सेट यहाँ पर मैं लिया हूँ। ये उड़िया क्वेश्चन है आप लोगों का, आप जो भी आज एग्ज़ाम दिए हैं ये आपका अंग्रेजी है, और हम आलोचना करेंगे हिंदी, यानी यहाँ से जो है हम शुरू करेंगे प्रश्न की आलोचना करना। ओके, तो डी सेट लिया हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कौन सा जो है शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, मैं सबसे पहला क्वेश्चन इसे देख रहा था, तो ये यहाँ पर शेष हो गया है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो है व्याल हो, ठीक है, अही हो, भुजंग हो, ये सब जो है ये सांप का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये जो है क्या है, न सांप का पर्यायवाची शब्द है। ओके, सांप का पर्यायवाची शब्द व्याल हो, अही हो, भुजंग हो। अगर मकर देखते हैं तो इसके दो मीनिंग आते हैं, एक घड़ियाल जो मगरमच्छ होता है, और दूसरा धोखा, छल, नाश। तो आई थिंक यहाँ पर शेष के जगह सांप होना चाहिए था, कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प, निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो व्याल, अही, भुजंग, ये जो है सांप का पर्यायवाची शब्द है, और आपका निकलता क्या, ने मकर, यानी जो घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लेकिन यहाँ पर शेष दे दिया है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, सांप के जगह शेष हो गया है। आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं मुझे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं फिर। ओके, तो क्वेश्चन आलोचना होने के बाद आप सियोली कमेंट बॉक्स पर बताना कि 60 में से आपका कितना मार्क रहा है। चलिए, अगर यहाँ पर गलती हुई है तो फिर आपको जो है ग्रेस मार्क मिलेगा। पहला क्वेश्चन, अगर गलती हुई है, अगर कुछ अलग अर्थ है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अलग चीज़ है, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, यस का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए, कि यश, यश का जो है सही विलोम शब्द, तो यश का सही विलोम शब्द क्या होगा, अपयश होगा। ठीक है, यश और अपयश, तो 42A नंबर जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न था, सुनंदा जैनेन्द्र कुमार की कौन सी कहानी की पात्र है। तो सुनंदा जो है पत्नी कहानी है, आपके सिलेबस पे पत्नी कहानी की पात्रा जो है सुनंदा, लगभग 20-22 साल की आयु, आप वो कहानी पढ़ी है आपने। तो सुनंदा जैनेन्द्र कुमार की कौन सी कहानी की पात्र है, ये जो है पत्नी कहानी, यानी डी नंबर करेक्ट आंसर है। आप देखिए, जॉम्बो क्वेश्चन है आपका 43 में, यहाँ पर जैसे मैं डी सेट आलोचना कर रहा हूँ, तो डी पे जो 43 पे जो है, हो सकता है आपका 65 पे होगा, 72 पे होगा, 83, कुछ भी होगा, लेकिन ये प्रश्न तो होगा ही। ओके, तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रेखाचित्र रजिया में रजिया किस पेशे से संबंध रखती है। रेखाचित्र रजिया में रजिया जो है किस पेशे से संबंध रखती है, तो रजिया क्या थी, एक चूड़ी हरिण थी। ओके, तो ए नंबर जो है करेक्ट आंसर। कृपया संयम बनाए रखिए, लास्ट तक जुड़े रहें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, आप लोग पता चल जाएगा जो आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं। यूआर कैटेगरी अगर है तो आप अगर 68 रखते हैं तो क्वालिफाई करेंगे, अगर आपका जो है कोई रिजर्व कैटेगरी है, जैसे SC ST SC BC PWD है, तो आप 53 में जो है आप पास हैं। तो कृपया संयम बनाए रखिए, लास्ट तक जो है वीडियो से जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मैं लाइव क्लास पे बहुत इजी तरीके से इसे पढ़ाया था, जो भी लाइव क्लास से बच्चे देख रहे हो अच्छा तो किए होगे, मेरा उम्मीद है। मेरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा किए होगे। रोहन पके आम खा रहा है, बिल्कुल नहीं, सरल वाक्य है। रमेश घर आया और नहाने चला गया, ये संयुक्त वाक्य है। आकाश में अरबों खरबों तारे हैं, कोई बात नहीं, करुणा हो, सरल है। उसने कहा कि वह भारतीय है, मैंने सिंपल ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया था, आप लोगों को ये जो है इस आरो मार्क से पता चल रहा होगा, जो भी लाइव क्लास वाले हो, सिंपल ट्रिक से कि कैसे आप छांट पाएंगे कि कौन सा मिश्र वाक्य है आश्रित के हिसाब से। तो उसने कहा कि वह भारतीय है,
ओके। तो यहां पर डी नंबर करेक्ट आंसर है 45 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इधर 46 पे। भयभीत होने के लिए सही मुहावरा विकल्पों में से छांटिए कि भयभीत होने का कौन सा सही मुहावरा। भयभीत मतलब क्या? डरना, ठीक है, भयभीत होना। तो उसके लिए यहां पर कौन सा मुहावरा है? कलेजे पर सांप लौटना, ये तो नहीं होगा। जो ईर्ष्या करना कहते हैं ना, ईर्ष्या करना, वो है कलेजे पर सांप लौटना। ओके, नेक्स्ट क्या है ना, कलेजे पर पत्थर रखना, तो ये मतलब जैसे धीरज रखना, संयम रखना, कि बहुत कुछ हो गया फिर भी उसने कलेजे पर पत्थर रख दिया, तो इस प्रकार के अर्थ में प्रयोग होता है, धीरज संयम के अर्थ में प्रयोग होता है, ये ईर्ष्या के अर्थ में। अच्छा, कलेजा मुंह में आना, ये सही उत्तर है। ओके, भयभीत होने के लिए सही मुहावरा कलेजा मुंह में आना, ये जो है सही उत्तर है। कलेजे के टुकड़े, कलेजे का टुकड़ा, जैसे माँ बाप का कलेजे के टुकड़े बच्चे होते हैं, ये अर्थ है। तो सी नंबर तो करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए, यद्यपि में कौन सा संधि भेद का उदाहरण है? देखिए, मैं जो आपको लाइव क्लास जो ले रहा था, मैं आपका OSSTT, उसमें PDF दिया था, मैं नोट्स, हैंडमेड नोट्स थे, कुछ PDF थे, सब कुछ। तो उसमें देखना, ये पहला वर्ड है। ओके, ये क्या है ना, यण संधि है। और पहला, आप मेरा लाइव क्लास वाला देखना, जो भी बच्चे देख रहे हो उससे, पहला है कि यदि प्लस अपि ई प्लस ओ बनकर होता है यो। ओके, तो यदि प्लस अपि यद्यपि ई प्लस ओ, तो फर्स्ट वर्ड ही यही था, यद्यपि था, उसका संधि विच्छेद करके दिया था, जो आपको मैं नोट्स दिया हूं। ओके, तो यद्यपि मैं कौन सा संधि विच्छेद संधि भेद का उदाहरण है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका, यण संधि होगा। ठीक है, यण स्वर संधि होगा। तो यहाँ पर दिया है गुण स्वर संधि, नहीं दिया है यण, गुण यण अयधि वृद्धि, ये सब जो है स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो यण संधि जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद समास के अंतर्गत है? वेरी इजी मेथड पे मैं आपको पढ़ाया था आपको OSSTT पे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद समास, द्वंद, वेरी इजी बताया था, तो क्या होगा? ए, दोनों पद होना चाहिए प्रधान, और अक्सर ऑपोजिट होता है। अगर दिन रात देता तो हम इसे जो है चुन सकते थे, लेकिन नहीं दिया है, दिन रात नहीं दिया है, तो सी नंबर घर बाहर। ओके, घर बाहर, ये जो है करेक्ट है द्वंद समास के लिए। मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है? तो कालिदास, आषाढ़ का एक दिन जो है, ठीक है, कालिदास को हीरोइन कौन थी? अंबिका, ठीक है, तो उस पर जो है, सॉरी, मल्लिका थी, अंबिका उसकी माँ थी, उस पर जो है आधारित है। तो मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है? यह है कालिदास की जीवनी पर आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कबीरदास, 49 गया, चलिए 50 पे आते हैं। कबीरदास के निम्नलिखित किस दोहे से ईश्वर के सर्वव्यापी होने का पता चलता है? कि किस दोहे से पता चलता है ईश्वर जो है हर जगह है? अच्छा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लगे पांव बलिहरी गुरु, आपने गोविंद जिन गोविंद दियो बताओ, इससे गुरु की महत्ता पर जो है पता चलता है। माटी कहे कुम्हार से वक्त बदलता रहता है, इससे पता चलता है। कल करे सो आज कर, समय की महत्ता पर पता चलता है। ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, वैसे घटघट में पियो है दुनिया देखत नाही। तो कस्तूरी कुंडल बसे के मृग के जो है कस्तूरी जो है उसके नाभि पे होता है, वो चारों तरफ पूछता रहता है कि कहां है महक, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, पता नहीं यार, तेरे अंदर से आ रही है। तो ऐसे दुनिया जो है हर तरफ भगवान को खोजती रहती है दुनिया, लेकिन भगवान जो है घटघट, ऐसे घटघट में भी हुए, प्रति आत्मा के अंदर भगवान है, हर जगह है। तो इससे सर्वव्यापी होने का पता चलता है, किससे? डी नंबर से। ओके, चलिए, इसे भी मैं आपको क्लियर तौर पर जो है समझाया था एक एक दोहे को। चलिए नेक्स्ट, 51, ठीक है, तो आप SSB TGT के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, कंटिन्यू है। ये मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9437122693, इसमें जो है चैट करके आप जुड़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। एक अनार 100 बीमार, वाह, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के कम चाहने वाले, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। मांग कम पूर्ति अधिक, बिल्कुल नहीं, मांग कम पूर्ति अधिक फिर सफिशिएंट हो जाएगा हमारे लिए। वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक, ठीक है, वस्तु थोड़ी, एक अनार 100 बीमार, ये करेक्ट, अनार को चाहने वाले अनेक लोग, नहीं, सी नंबर करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब एक शिक्षक कक्षा में बालकृष्ण से जुड़े सूरदास के पद पढ़ा रहा होता है, ठीक है, अच्छा, जब एक शिक्षक
कक्षा में बालकृष्ण से जुड़े सूरदास के पद पढ़ा रहा होता है तो वह छात्रों को तुलसीदास द्वारा रचित राम की बाल लीला का भी वर्णन करते हैं। अच्छा, ये मतलब सूरदास कृष्ण और राम, तुलसीदास राम, ओके, चलिए, रचित राम की बाल लीला का भी वर्णन करता है। काव्य शिक्षण के क्षेत्र में इस विधि को क्या नाम दिया जा सकता है? 52 तुलनात्मक, यही करेक्ट आंसर, ए नंबर ही करेक्ट आंसर है, ओके, कि ये जो है क्या है, तुलनात्मक विधि है। व्याख्या विधि, व्याख्या करके तो समझाई गई, अलग चीज है, ओके। खंडानय विधि, ये होता है मतलब जो कविता होता है उसको प्रोज टाइप का समझाना, वो चीज़ होता है। व्यास, जो व्याख्या का और ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा व्याख्या करना, वो उस विधि होता है। तो आई थिंक तुलनात्मक विधि ही इसका करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाई, कि साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए कि सूप। अच्छा, प्रश्न क्या है न, इस दोहे में बताया गया है क्या प्रश्न समझने। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहरे, थोता दही उड़ाए, इस दोहे में बताया गया है। अच्छा, साधु के स्वभाव के बारे में, साधु के उत्तम ज्ञान के बारे में, साधु के ज्ञान चयन पद्धति के बारे में, उपरोक्त, हाँ, इसमें तो स्वभाव के बारे में ही वैसा बताया गया है, क्योंकि सुभाए के साधु ऐसा, साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए न, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सूप के स्वभाव जैसा होना चाहिए, सार को रखे और थोता यानी बेकार चीज को फेंक दे, ओके। सूप जिसे ओडिया में बोलते हैं कुल्ला, कुल्ला, ओके, चलिए, हाँ, आई थिंक कुल्ला ही बोलते हैं, ठीक है, कुल्ला ही बोलते हैं इसे। मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल के लीनो, तू जसुमती कब जायो, सुनी सुनी कही रिश्के हो। तो मोही, हाँ, मैया मोई दाऊ बहुत खिजाय, संबंधित पद में कृष्ण अपनी माता से कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? बलराम मुझसे कहते हैं कि यशोदा मेरी माँ नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, नंद गोरे यशोदा गोरी, तू कत श्याम सरी, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सीखे देती बलवीर, तू मोही कुमारन सीखे, दाऊ कब नहीं कीजे, कबहू ना कीजे, मोहन मुख ऋषि की बात है, जसुमती सुनो सुनी दीजिए, ठीक है। बलराम मेरे मित्रों से मुझे चिड़वाते हैं, बलराम मेरे मित्रों से मुझे चिड़वाते हैं, अरे ये भी तो सही है, यशोदा बलराम को कभी नहीं डांटते। अच्छा, प्रश्न क्या है? मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, संबंधित पद में कृष्ण अपनी माता से कहते हैं। अच्छा, बलराम मुझसे कहते हैं कि यशोदा मेरी माँ नहीं है, बिल्कुल, बलराम मेरे मित्रों से मुझे चिड़वाते हैं, यशोदा बलराम को कभी नहीं डांटती। अच्छा, यहाँ पर डी, सॉरी, गलती हो गई, मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा था, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो, क्योंकि बलराम मुझे कहते हैं कि यशोदा मेरी माँ नहीं है, करेक्ट है। बलराम मित्रों से चुड़ाती हैं, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल, सब सीखे देते बलवीर, यशोदा बलराम को कभी नहीं कीजिए, तू मोही को मारन सीखे, दाऊ कबहू ना कीजिए, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसोमती सुने सुनी रहिए। तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी के, सभी चीज आता है इससे, ओके, ठीक है, मैं डी नंबर पर नहीं आया था, चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 55, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो मुझे क्या पथवादा पाते। मैथिली शरण गुप्त जी के इस जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से, ठीक है, अच्छा ये तो यशोधारा से है, ठीक है, सिंपल प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, मैं यही लाइव क्लास पे वो SSTT के बच्चों को जो है ये आपको जो है पढ़ाया था लाइव क्लास पे, ओके, चले, सखी वो मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति उनकी किस रचना। 100% मैं ये बता सकता हूँ, जो भी क्लास पे थे अभी तो देख रहे होंगे आप लोग, कमेंट देना जो लाइव क्लास से बच्चे हों कि आपका क्लियर हुआ होगा या नहीं, करेक्ट, मुझे तो लग रहा है कि क्लास पे जो जो पढ़ाया गया था बस प्रश्न जो है उसी टाइप का है, ओके। पथ की पहचान, कविता का मूल उद्देश्य क्या है, कि पथ की पहचान, कविता जो है पथ की पहचान, पूर्व चलने से बटो ही बाट की पहचान कर ले। अच्छा, भविष्य नियोजन, बिल्कुल यही तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है, नियोजन मतलब भविष्य क्या है वो चीज, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले यानी फ्यूचर क्या होने वाला है जिस पथ पर। अच्छा, देशभक्ति नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। समय का सदुपयोग, ये थोड़ा बहुत मित भाषित और मित नहीं, ये मुझे करेक्ट लग रहा है, ए नंबर के भविष्य नियोजन, ओके, के पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान करें, कि जिस बाट पर यानी जिस लक्ष्य पर तू बढ़ रहा है उसमें बढ़ने से पहले तो उसकी पहचान कर ले कि क्या करना पड़ेगा, ओके, तो भविष्य नियोजन आई थिंक करेक्ट आंसर है, ओके। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए, ठीक है। तो और एक चीज, एक फेसबुक पेज भी है GH नॉलेज प्रो, मैं काफ़ी बार आपको वीडियो में बोलता हूँ, आप लोग पता नहीं फेसबुक चलाते हैं या नहीं, वहाँ पर भी फॉलो कर दें, वहाँ पर भी अपडेट मिलता रहता है, ओके। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बनता है यार, अंगूठा दुखता नहीं है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब अवश्य करें, ओके। और लाइव क्लास जो है रिलेटेड मिलता रहता है, अभी SS भी चला है, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप लोग, ओके। चलिए, दिन
दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखिए। उस छोटी लड़की का जीवन निराशा से भरा हुआ था। माता पिता भी लाचार थे, वे चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाते थे। बचपन से ही वह चलने फिरने में अक्षम थी। वैशाखी के बिना उसका एक कदम भी चलना मुश्किल था। एक शाम वह लड़की अपने घर के पास ही पार्क में चुपचाप बैठी थी। उसकी नज़र पत्थर की उस मूर्ति पर पड़ी जिसमें एक युवती दौड़ने की मुद्रा में खड़ी थी। वह मूर्ति इतनी जीवंत थी मानो अभी दौड़ पड़ेगी। अच्छा, छोटी लड़की का जीवन निराशपूर्ण क्यों था? अच्छा, उसी बच्ची जो पार्क में बैठी थी, छोटी लड़की का जीवन निराशपूर्ण माता पिता की बेवशी के कारण नहीं, पैरों का इलाज ठीक से ना होने के कारण, हाँ ये हो सकता है, चलने फिरने की अक्षमता के कारण नहीं, ये उससे करेक्ट है, ओके, घर में आर्थिक नहीं, तो यही चीज़ कि वो चल फिर नहीं सकती थी, तो लड़की को देखी पत्थर की बनी हुई लड़की को, तो इसका दिल जो है उदास है, उदास रहता है। तो छोटी लड़की का जीवन निराशपूर्ण क्यों था? चलने फिरने की अक्षमता के कारण। सी नंबर करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए ए गया आपका 57। चलते हैं अब 58 पे। गद्यांश में प्रयुक्त मुद्रा शब्द का उचित अर्थ क्या है? मुद्रा शब्द जो है कहाँ आया है देखना पड़ेगा। मुद्रा मुद्रा मुद्रा, अच्छा यहां पर मुद्रा है। अच्छा, प्रत्यय के जिसने जिसमें एक युवती दौड़ने की उसकी नजर पत्थर की उस मूर्ति पर पड़ी जिसमें एक युवती दौड़ने की मुद्रा में खड़ी थी। अच्छा मतलब, हाँ समझिए, ऑप्शन देखना होगा। दौड़ने की मुद्रा आकृति यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल दौड़ने की मुद्रा में खड़ी थी। ओके, मुद्रा मतलब सिक्का नहीं होगा, यहाँ पर जो है आकृति होगा, दौड़ने की मुद्रा में खड़ी थी। चलिए हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपणों को जहाँ इच्छा कुहंतु, आपकी जो इच्छा है बोलिए, सही है, आपकी जो जो इच्छा, जहाँ जहाँ नहीं, बी नंबर करेक्ट नहीं होगा क्योंकि जहाँ जहाँ नहीं है, जो जो का मतलब जहाँ जहाँ इच्छा, ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार, निजो इच्छा अनुसार, ये भी नहीं होगा, आपकी जो इच्छा है कहिए, ये ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, अपनों को जहाँ इच्छा कुहंतु, इसके लिए कहिए वर्ड, ये जो है ज़्यादा करेक्ट है, तो डी नंबर करेक्ट उत्तर है। अच्छा, आज मैच रो विवरणी खबर कागज रे काली आसीब, देखते हैं। अच्छा, आज मैच रो विवरणी खबर कागज रे काली आसीब, आज जो मैच हुआ है कि आज जो मैच है छी एमती तो नहीं, ओके, समाचार पत्रों में कल, समाचार पत्रों में कल, ये भी नहीं है, समाचार पत्रों में कल नहीं, आज मैच की विवरणी, अच्छा डी देखते हैं, आज के मैच का विवरण समाचार पन्नों में कल आएगा, बिल्कुल डी नंबर करेक्ट है। ठीक है, आज के मैच का विवरण समाचार पत्रों में कल आएगा, बिल्कुल ए करेक्ट है, डी नंबर 60। चलिए 61, प्रायश्चित पाठ में पंडित जी ने कितने तोले की बिल्ली बनवाने के लिए कहा था? अच्छा, प्रायश्चित में पंडित ने कहा 21 तोले की, प्रायश्चित पाठ में पंडित जी ने कितने तोले की बिल्ली बनवाने कहा था? अच्छा, 21 की कहा, 11 पे आके फिक्स हुआ। ओके, तो 11 करेक्ट आंसर है, बी नंबर। ओके, देखिए यहाँ पर अगर 21 दे देता तो प्रश्न बड़ा गड़बड़ हो जाता कि प्रायश्चित पाठ में पंडित जी ने कितने तोले की बिल्ली बनवाने के लिए कहा था। पहले पंडित जी 21 बोलते हैं और कन्विंस होता है, फिर रामू की बहू की सास कन्विंस होता है, फिर जो 11 तोले पर फिक्स होता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न भी आता है तो 11 ही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि फाइनल जहाँ होता है वही होता है। ओके, हाँ, डिसीजन जो है फाइनल हुआ फिर वही हुआ। चलिए 62 चलते हैं। बनाम लाडकर्जन किसकी रचना है? बनाम लाडकर्जन जो है बालमुकुंद गुप्त जी की है। सिंपल प्रश्न, वेरी इजी, 62 ए नंबर करेक्ट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्या देवी कौन थी? महाराष्ट्र की कुल देवी, उसकी भी आराध्या भवानी थी, बहुत लड़ी मर्दानी से, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो भवानी सी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट पे ये प्रश्न था। बहुत सारे प्रश्न आपका मॉक टेस्ट से, जो भी मेरा देख रहे हैं वीडियो, मेरे क्लास वाले, लाइव क्लास वाले, OSSTT, ये सब आपका बहुत सारा मॉक टेस्ट से आया है, जो आपको 3-4 सेट मॉक टेस्ट मिला था उस पे से बहुत सारा प्रश्न है। हिमाद्री तरंग संघ से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, क्या है हिमाद्री तरंग संघ से राष्ट्रीय भावना से प्रेरित इस कविता का वाचन चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा होता है? हाँ, चंद्रगुप्त नाटक में जो है, देखिए हिमाद्री तृंग श्रृंग ये भी आपके जो है सिलेबस पे है, चंद्रगुप्त नाटक ये भी आपके सिलेबस पे है, तो वहाँ पर जो है गांधार की राजकुमारी अलका जो है गाती है, अंबिका क्या करता है, नहीं देशद्रोही है वो,
ठीक है, यवन का साथ दे रहे, वो इतिहास जो चंद्रगुप्त नाटक। तो हिमाद्रि तरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती समुज्ज्वला स्वतंत्रता स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो मैं भूल रहा हूँ कविता को, बहुत बड़ी अच्छी कविता है। ठीक है, तो राजकुमारी अलका द्वारा जो है हिमाद्रि तरंग श्रृंग से राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ये कविता वाचन चंद्रगुप्त नाटक में राजकुमारी अलका द्वारा की गई है। ओके, तो डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओ स्वर के बाद ह व्यंजन आने से ह हे के रूप में उच्चारित होता है। अच्छा, एक नियम दे दिया है ऐसे ही, ओ स्वर के बाद ह व्यंजन आने से ह हे के रूप में जो है उच्चारित होता है। इस नियम के अनुसार गहरा शब्द का उच्चारण निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा? अच्छा, गहरा तो एक्चुअली यही सही होगा, गहरा। ठीक है, हाँ, के उच्चारण के तौर पर। अच्छा, ओ के बाद अगर हो आता है तो हो का हे हो जाता है, तो उस हिसाब से तो ये होगा। अच्छा, क्या दिया है कि ओ स्वर के बाद हो व्यंजन आने से हो हे के रूप में उच्चारित होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार गहरा शब्द का उच्चारण, तो नियम के अनुसार तो ये बनता है, लेकिन एक्चुअली प्रनाउंस जो होता है सी नंबर है, ऐसा होता है गहरा। ठीक है, कि वहाँ गड्ढा जो है बहुत गहरा है, गहरा है ऐसा नहीं होता, गहरा है। तो आई थिंक सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उच्चारण देखना है, वो नियम जो दे उच्चारण देखना है। फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी आंसर मुझे आप लोगों को लग रहा है कि सर गलत बता रहे हैं या फिर ऐसा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं, आंसर के आने के बाद जो है पता चल गया। मुझे लग रहा है कि सी होगा, गहरा, क्योंकि इसका उच्चारण जो है ना, ये शब्द का गहरा ऐसा उच्चारण होता है। ओके, चलिए, गद्य शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तावना से पहले कौन से बिंदु को रखा जाता है? प्रस्तावना से पहले पूर्व ज्ञान, हाँ, पूर्व ज्ञान के अनुसार ही प्रस्तावनात्मक प्रश्न होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, बोध प्रश्न नहीं। गद्य शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तावना से पहले कौन से बिंदु को रखा जाता है? तो ये पूर्व ज्ञान ही करेक्ट आंसर होगा। ओके, 66A। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 67। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक 44 दृश्य है। ठीक है, एक सीरीज चल रहा था, अभी जो है ब्रेक है, मुझे इतना समय नहीं मिल रहा है। 4 अंक है 44 दृश्य है, हाँ यही सही है, 4 अंक 44। महादेवी वर्मा की रचना गौरा कौन सी साहित्यिक विधा में लिखी गई है? संस्मरण, रेखाचित्र, एकांकी, नाटक। ये तो रेखाचित्र है महादेवी वर्मा की। ठीक है, गौरा। ओके, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं, मृत्यु का अमर और अपार्थिव पूजन क्या है? ताज कविता के आधार पर विकल्प का चयन कीजिए। मृत्यु का अमर और अपार्थिव पूजन क्या है? अच्छा, ताज कविता। अच्छा, स्मारक जहां पुस्तकों के सब को रखकर, सॉरी मृतकों के। ओके, चलिए, तो स्मारक जहां मृतकों के सब को रखकर उसे अमर बनाया जाता है, बिल्कुल ए नंबर करेक्ट लग रहा है मुझे, फिर भी देखते हैं। किसी के घर के दीवार पर टांगे मृतकों की तस्वीर को पूजन, नहीं, बी नंबर नहीं होगा। किसी के मृत्यु के उपरांत 14 दिनों तक किया जाने वाला कर्म, 211-12, वो भी नहीं होगा। प्रतिवर्ष मृतकों का श्राद्ध, नहीं, तो ए नंबर करेक्ट है। ओके, मृत्यु का अमर अपार्थिव पूजन। ओके, तो उससे आया है ताज कविता से, स्मारक जहां मृतकों के सब को रखकर उसे जो है अमर और जो है बनाया जाता है। ओके, चलिए 70। वह तोड़ती पत्थर कविता में महिला मजदूरनी किस मौसम में कार्य कर रही थी? शीत, बारिश, वसंत, गर्मी। हाँ, गर्मियों के दिन चल रही थी लू, रुई समान जलती भू, तो गर्मी का दिन, डी नंबर करेक्ट आंसर। ओके, कि गर्मी के दिन थे। चलिए 71 पे जाते हैं, कृपया संयम बनाए रखिए। धीरज धीरज धीरज, वापसी किसकी रचना है? वापसी किसकी है? उषा प्रेमदा, सी नंबर करेक्ट आंसर। पाठ, चीफ की दावत में सामनाथ के ऑफिस के जो चीफ ड्यास व्यक्ति थे, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, बी अमेरिकन करेक्ट है, उसके बाद है हंगेरियन, जापान, नहीं, बी नंबर अमेरिकन। ओके, चलिए, व्याकरण शिक्षण के दौरान जब शिक्षण व्याकरण नियम से शुरू होकर उदाहरण की ओर जाता है, अच्छा, व्याकरण शिक्षण के दौरान जब शिक्षण व्याकरण के नियम से शुरू होता है उदाहरण, मैं आपको प्रीवियस क्लास ही बता रहा था, मैं आपको जो OSSTT में लाइव क्लास जुड़े थे, कि नियम से जाना तो निगमन, उदाहरण से आना तो आगमन है। तो नियम से शुरू होकर उदाहरण की तरफ जाता है, मतलब निगमन है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आपण केबे आम घर आड़े आसुछंती? अच्छा, प्रश्न है कि आपण
केबे आम घर आड़े आसुचंदी, आप कब हमारे यहाँ नहीं घर आड़े घर देना चाहिए, आप कब हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, हाँ आप कब हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, आप मेरे घर मो घरे नहीं, आप कब मेरे घर नहीं, ये सब गलती है। तो बी नंबर करेक्ट, आप कब हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। ओके चलिए 74 गया 75। केवट प्रश्न रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है। अच्छा केवट प्रश्न जो गए केवट का जो है नैया देने के लिए मना करना, फिर नैया देना, पार कराना, कुछ नहीं लेना, विमल वरदान, वो भी जो भी है अयोध्या कांड, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या है, किष्किंधा कांड, तो किष्किंधा कांड सॉरी किष्किंधा कांड, अच्छा किष्किंधा कांड वो जो हनुमान जी गए थे ना, जिस समय हनुमान जी गए वहाँ देखे कि सीता मैया को जो है रावण जैसे धमका रहा है, और अवसर पाते ही राम जी की मुद्रा देना, समझाना, सांत्वना देना, ये सब की किष्किंधा कांड है। ठीक है उसके बाद दिया है सुंदर कांड, हनुमान जी का लंका जाना, वो सब जो वर्णन है सुंदर कांड, लंका कांड तो आप लोग जानते ही हैं, तो अयोध्या कांड ये सही उत्तर है। ओके आई थिंक यही सही लग रहा है। आपको अगर कुछ लग रहा है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे बहुने हंसे देन कहीं नटी जाई। बड़े अच्छे से समझाया हूँ आपको क्लास पे। ओके इस दोहे में बतरस यानी बात करने की इच्छा, गोपिकाएं मुरली छुपा देती हैं कृष्ण से बात करने की इच्छा, बात करने के लिए, तो बातों का रस। ओके बताशा एक प्रकार की मिठाई, मनोविनोद, रासलीला, नहीं ए नंबर करेक्ट है, बात करने की इच्छा। ओके बातों का रस। अकाल में धूप कविता में डूब किसकी, डूब की खोज कौन करता है, अकाल में धूप कविता में डूब की खोज कौन करता है, स्वयं कवि, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कवि ही करते हैं कि निकल पड़ा मैं प्रति पराट में, खोजने लगा सब तरफ नहीं मिला, तो डूब जब लौट आता हूँ बोलते हैं, पिताजी को सुनाते हैं डूब मिला, तो कौन, स्वयं कवि। ओके करेक्ट आंसर है। अच्छा दूसरा क्या दिया, कविता का पात्र पिता, कविता का पात्र पुत्र, कविता का पात्र पुत्र क्या, पक्षी नहीं, तो स्वयं कवि इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत दिनों के बाद कविता में कवि नागार्जुन ने अब की बार क्या जी भर देखा, बहुत दिनों के बाद देखी मैंने जी भर पकी सुनेली फसलों की मुस्कान। हाँ क्या देखा जी भर के, न पकी सुनेली फसलों की मुस्कान, मौलश्री के फूल सूंघे, पगदंडी के चंदन वर्णीय धूल स्पर्श की इन्होंने, धान कुर्ती किशोरियों के कोकल कंठी डान इन्होंने सुना, तो पकी सुनेली फसलों की मुस्कान बहुत दिनों बाद इन्होंने देखा। 78 गया। चलिए 79 पे आते हैं। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या क्या है, राजनीतिक समस्या बिल्कुल नहीं, शिक्षा से जुड़ी समस्या नहीं, ये ऐसा भी खास नहीं है, थोड़ी बहुत जीविकार्जन की समस्या नहीं, तलाक से जुड़ी, हाँ ये बिल्कुल कि पति पत्नी का जो है विच्छेद, ठीक है मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, तो पति पत्नी का जो विच्छेद है। ओके डॉक्टर जोशी से फिर जो है पड़ जाती है ये। ओके तो अजय से जो है इसका शकुन का जो अलग होना, ठीक है तो ये जो है तलाक से जुड़ी समस्या, यही करेक्ट आंसर है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन में बुधिया की मृत्यु का क्या कारण था, अच्छा तपोदिक से पीड़ित होना नहीं, भूखमरी नहीं, प्रसव पीड़ा से प्राथमिक चिकित्सा नहीं होना, सी नंबर करेक्ट आंसर, वृद्धावस्था के कारण नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो सी नंबर प्रसव पीड़ा वह प्राथमिक चिकित्सा ना मिलना। ठीक है बहुत इजी प्रोसेस में आप लोगों को समझाया था, जो भी OSSTT लाइव क्लास के बच्चे देख रहे हो, हाँ कैसा लगा आपको आज जो है क्वेश्चन, बिल्कुल रसगुल्ला। ओके निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, हाँ ये मैं जो है मॉक टेस्ट में डाला था ये प्रश्न, हो सकता है शायद आपका नहीं, इससे प्रीवियस RST का शायद ये वाला डाला था, हाँ शायद RST का या फिर OSSTT मुझे याद नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट का ये प्रश्न था। ओके तो ये क्या होगा, जीजीविषा मतलब जीने की इच्छा, तो जॉ में पहले छोटी ई होना चाहिए, तो देखिए बी और डी पे दोनों पे दिया है, उसके बाद जॉ पे बड़ी, अच्छा जीजीविषा, हाँ बी नंबर करेक्ट है, ये तो नहीं होगा जीजीविषा, नहीं बी नंबर करेक्ट। ठीक है जौ में छोटी, जौ में बड़ी, वौ में छोटी, मृधन्य जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। निम्नलिखित विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, सम्राट सम्रांजी, कौन सा है सी नंबर, सम्राटनी सम्राटी सम्राट नहीं, तो सम्राट सम्रांजी ये जो है सही उत्तर है सी नंबर। ओके चलिए 83। निम्नलिखित विकल्पों में से उड़िया वर्णमाला का कौन सा व्यंजन, उड़िया वर्णमाला का कौन सा व्यंजन वर्ण है जो हिंदी वर्णमाला में नहीं है, जो जो नहीं है वहां पर जो है यो है, सॉरी 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 जो यो यमराज, अच्छा ये वाला जो तो हो सकता है लेकिन बारीक ये जो नहीं दिया है,
जो वहाँ पर य उच्चारण होता है। अच्छा ये ळ नहीं है, ओके करेक्ट ए है ळ। ब है वो है, जो जो होता है वहाँ पर य सा उच्चारण होता है लेकिन य, ठीक है ठीक है, तो यमराज जैसे होता है तो ळ नहीं है, ठीक है। वहाँ पर लिखते हैं हम जैसे लड़का लिखते हैं, ड के नीचे बिंदी देते हैं, ओके लड़का लिखते हैं, लड़ाई लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आई थिंक यही होगा, लॉ वाला ही करेक्ट आंसर है, वहाँ पर जो है लॉ नहीं है, वहाँ पर जो है क्या लॉ है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होगा, 83 बी ही करेक्ट आंसर होगा, बी 83 बी। चलिए 84 कहाँ चले गए, इधर 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 आ जा बेटे। जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव का प्रयोग मतलब सक्रियता, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प मध्य स्वर का सही उदाहरण, मध्य स्वर ए ओ, ठीक है। आपको मैं एक ऐसे लाइव क्लास में जो है आपको ऐसा वाला एक बनाया था और इस पे से ऐसा करके लिखा था, ग्राफ याद पड़ रहा है आप लोगों को, जो भी नोट्स मिला है ये मेरा हैंडमेड नोट्स दिया था। तो जीव के प्रयोग के आधार पर यहाँ लिखा था ना सब, यहाँ पर देखिए ओ था तो प्रयोग के आधार पर, ओके। तो जीव के प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प मध्य स्वर का सही उदाहरण है, तो मध्य स्वर का सही उदाहरण कौन सा होगा, ए नंबर, ओके सक्रियता के आधार पर वही चीज दिया है, तो ओ ओ जो है करेक्ट आंसर है। भोला राम की पेंशन फाइल को पास करने के लिए साहब ने नारद से क्या मांग की, उनकी वीणा, बिल्कुल करेक्ट ए नंबर, उनके दिव्य आशीर्वाद, आशीर्वाद तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, वो तो रिश्वत ले रहे थे, हाँ अपने लिए स्वर्ग, नहीं 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 मरना कहाँ चाह रहे थे इतने जल्दी, हाँ अपने स्वास्थ्य में सुधार के तो बिल्कुल बीमार नहीं थे, चंगे थे, हाँ बोले कि मेरी बिटिया सीख रही है ना, और वैसे साधु संत की वीणा, हाँ आवाज़ अच्छी आएगी दे दीजिए ना, तो उनकी वीणा का जो है डिमांड की कि वीणा चाहिए, ओके करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, चित्रलेखा उपन्यास में गुरु रत्नांबर के दो शिष्य के नाम थे, श्वेतांग विशाल देव, कहाँ है देखिए खोज लीजिए, श्वेतांग विशाल देव डी नंबर करेक्ट आंसर, ओके। बीजगुप्त नहीं है, कुमारगिरि नहीं है, बीजगुप्त कुमारगिरि के पास तो लेकर छोड़ते हैं, ओके कृष्णादित्य जो मर गया था चित्रलेखा का, ठीक है मृत्युंजय जो यशोधरा के पिता थे, तो वह श्वेतांग विशाल देव करेक्ट आंसर है डी नंबर, ओके। चलिए 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 आगे चलते हैं, खाना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, खाना खिलाना खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक, ये भी बहुत ईजिली मैं आप लोगों को समझाया था क्लास पे, बहुत इजीली, ठीक है। खाना का द्वितीय प्रेरणार्थक, मैं क्लियर बताया था कि प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणा, अगर प्रथम प्रेरणार्थक देता तो यहां पर खिलाना होता, ए नंबर होता, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक दिया है तो खाना खिलाना खिलवाना, ठीक है सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वह पढ़ता तो पास हो जाता, बिल्कुल आप पढ़े हैं तो पास हो जाएंगे, ओके वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में भूतकालिक भेद, हेतु हेतु शर्त पूरी, ओके हेतु हेतु शर्त पूरी ना होने के कारण, इजी बिल्कुल, ये भी बहुत इजी समझाया हूँ कि वह पढ़ता पास हो जाता, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देकर बताया था, तो हेतु हेतु मद्भुत करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 88 गया, अब आते हैं 89। कहानी पुष की रात में हल्कू से पैसे लेने आए लेनदार का नाम क्या था, सहना आया था, सहना जबरा तो कुत्ता था, माधव नहीं है, माधव कफन पे है, और मुन्नी बदनाम हुई हल्कू तेरे लिए वो वहीं पर है, ठीक है। तो कहानी पुष की रात में हल्कू से पैसा लेने आए लेनदार का नाम था सहना, ठीक है। 3 रुपया बेचारा अपना कलेजा फाड़ कर दे दिया, ऐसे लगा जैसे कलेजा निकाल कर लेकर जा रहे, क्या करें पुष की रात थी और उसकी अवस्था क्या हुई आप लोग तो सब जानते हैं। आकाशदीप कहानी के परम उद्देश्य को उजागर करने वाले विकल्प को चुनी, अच्छा मतलब आकाशदीप कहानी में कौन सा उद्देश्य, अच्छा कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति बिल्कुल दिखाई देता है, अच्छा संगठित परिवार में महिला की महत्ता नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है, मातृ पितृ भक्ति का मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है, विस्थापन की समस्या वो क्या दिया है समाधान, विस्थापन की समस्या वह समाधान नहीं, मुझे लग रहा है कि यही होगा, कर्तव्य निष्ठा उसके बाद जो है राष्ट्रभक्ति, अच्छा कर्तव्य निष्ठा जैसे बुधगुप्त जो है छोड़ देता है ये चीज, और ये जो है बुधगुप्त की क्या नाम था उसका चंपा, चंपा जो है अपने कर्तव्य निष्ठा के कारण जो है दीप नहीं छोड़ती, बोलती अब तो मुझे भोले भाले प्राणियों के बीच में ही रहना है, इनकी सेवा करना है, तो ये कर्तव्य निष्ठा हो सकता है, राष्ट्रभक्ति बुधगुप्त जो है अपने आप को रोक नहीं सकता है, अपनी जन्मभूमि की ओर आता है, लेकिन चंपा बोलती है कि मुझे इससे प्यार हो गया है, वो वहाँ रहती है, मुझे तो यही लग रहा है, संगठित परिवार में महिला की महत्ता ऐसा कुछ नहीं है, मातृ पितृभक्ति का महालाभ ऐसा ये भी नहीं है, विस्थापन की समस्या वो संभावना नहीं,
ऐसा मुझे लग रहा है, विस्थापन की समस्या और समाधान, विस्थापन हुए थे फिर, मुझे ये लग रहा है, अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है तो बता सकते हैं। पुरी रू कोलकाता क्यों क्यों गाड़ी जाऊँछी, अच्छा पुरी से कोलकाता कौन कौन सी गाड़ी जाती है, पुरी से कोलकाता कौन कौन सी गाड़ियाँ जाती हैं, पुरी से कोलकाता जाने वाली, अच्छा देखिए यहाँ पर पुरी रू कोलकाता क्यों क्यों गाड़ी जाऊँछी, मतलब बहुवचन होना चाहिए, ठीक है। पुरी से कोलकाता कौन कौन सी गाड़ी, गाड़ियाँ बहुवचन, क्यों क्यों, ठीक है। पुरी रू कोलकाता क्यों क्यों गाड़ू जाऊँछी, क्यों क्यों मतलब बहुवचन है, ओके। तो पुरी से कोलकाता कौन कौन सी गाड़ियाँ जाती हैं, बी नंबर करेक्ट। पुरी से कोलकाता जाने वाली गाड़ी, जीबा वाला गाड़ी कौन सी, ए भी नहीं होगा, ओके। पुरी से कोलकाता जाने वाली गाड़ियाँ कौन सी है, ए भी नहीं, करेक्ट आंसर है पुरी रू कोलकाता क्यों क्यों गाड़ी जाए, पुरी से कोलकाता कौन कौन गाड़ियाँ जाती हैं, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए, मुँह गोटिए साठ तैयारी करीबा को चाहूँछी, करो ना कौन मना किया, अरे 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 कहाँ चले गए यार डिस्प्ले, तू भी क्या कर रहे हैं आज, अच्छा कहाँ थे मुंशी प्रेमचंद के काफन कहानी बुधिया, अच्छा बुधिया चलो तो मर गई, हम आगे बढ़ते हैं। आकाशदीप कहानी का परम उद्देश्य, अच्छा यहाँ थे के मुँह गोटिए साठ तैयारी करीबा को चाहूँची, अच्छा बनवाओ कोई बात नहीं, मैं एक कमीज सिलना नहीं सिलना चाहता हूँ नहीं मैं एक कमीज बनाना चाहता हूँ, हाँ ए मैं एक कमीज़ बनाना चाहता हूँ, मैं एक कमीज़ बनवाना चाहता हूँ, अच्छा मुँह गोटिए साठ तैयारी करीबा को चाहूँची, ठीक है मुँह एक साठ तैयारी करीबा को चाहूँची, मैं एक कमीज़ बनाना चाहता हूँ, मैं एक कमीज़ बनवाना चाहता हूँ, मतलब टेलर से बनवाना साठ, तो सी नंबर ज़्यादा उचित लग रहा है मुझे, ओके कि मैं एक कमीज़ बनवाना चाहता हूँ, मैं एक कमीज़ पहनना चाहता हूँ, डी नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मुँह गोटिए साठ तैयारी करीबा को चाहूँछी, बनवाना बनाना, मुँह गोटिए साठ तैयारी करीबा को चाहूँछी, ये काफ़ी कन्फ्यूजन दे दिया, ठीक है। टेलर से बनाना, अगर वो खुद बनाएगा मशीन पे, मुँह गोटिए साठ तैयारी करीबा को चाहूँछी खुद बनाएगा, हाँ तो फिर बनाना होगा, अगर टेलर से बनाता है तो बनवाना, मैं एक कमीज़ बनवाना चाहता हूँ, तो नहीं ज़्यादा यही सही होगा बी नंबर, ठीक है। मुँह गोटिए साठ तैयारी करीबा को चाहूँछी, मैं एक साठ बनना बनाना बनवाना, ठीक है। मुँह गोटिए साठ तैयारी करीबा को चाहूँछी, अच्छा मुँह गोटिए साठ तैयारी करीबा को चाहूँछी, अच्छा मुझे तो बी लग रहा है, आपको अगर कुछ लग रहा है बनना बनाना बनाना चाहता है, ओके बी लग रहा है, अगर वो फिर जिसे देता है वो किसी के द्वारा, ये अलग चीज़ है, करता किसी के द्वारा कोई काम दूसरे के लिए कराता है, बी लग रहा है आपको, जो लग रहा है आप लोग जो है कमेंट पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अविनाशी शब्द से जुड़ा कौन सा विकल्प सही है, अविनाशी मतलब अक्षय रहने की स्थिति, ठीक है अविनाश अक्षय रहने की स्थिति, अविनाशी यानी नाश रहित, अच्छा इनमें से अ तथा वी उपसर्ग, दो उपसर्ग हैं, कैसे विनाशी अ क्या होगा फिर, नहीं नाश मूल शब्द है, हाँ नाश अविनाशी, ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अ वी अविनाश अविनाशी उपरत सभी, अ तथा वी दे दिया है, आई थिंक सभी होगा कि अविनाशी शब्द से जुड़ा कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, इनमें से अ तथा वी उपसर्ग है, दो उपसर्ग क्यों दिया है यहाँ पर, दो दिया है, यही कंफ्यूज हो रहा है, वरना लग रहा है कि नाश अविनाश विनाश, अविनाश मतलब है कि नाश रहित, ठीक है विनाश नाश, नाश का मतलब है ख़त्म होना, ठीक है तो अविद होता है, अगर पहले अविद देता फिर ई प्रत्यय अविनाश अविनाशी, ठीक है तो चलिए इसका वेट करते हैं, ओके डी हो सकता है सभी, फिर भी इसका वेट करते हैं आने का आंसर की। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, इत्यादि का जो है सही संधि विच्छेद क्या है, तो इत्यादि इति प्लस आदि, ठीक है क्या होगा इति प्लस आदि, वेरी सिंपल बी नंबर करेक्ट आंसर है, ओके चलिए। भेड़ चर रही है, हाँ भेड़ 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 का
पुलिंग रूप क्या होता है? भेड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भेड़, ठीक है, भेड़ चर रही है, तो भेड़ बहुवचन में भी वही भेड़ ही होगा, तो डी नंबर, भेड़ चर रही है, हाँ डी नंबर, क्योंकि एक वचन बहुवचन, ठीक है। ये प्राणीवाचक है, आप नियम मत डाल लेना, नियम पड़ता है अप्राणीवाचक पे, नियम पड़ता है अप्राणीवाचक पे, जो है नियम पड़ता है कि आप इसे डाल देंगे कि भेड़, मैं बताया हूँ आपको लाइव क्लास पे कि नियम एक पॉइंट दो डाल देंगे आप, स्त्रीलिंग शब्द ए होगा, नहीं मुझे तो यही लग रहा है कि भेड़, ये प्राणीवाचक है तो भेड़ ही होगा, तो भेड़ चर रही है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? उसने टेढ़ी चाल चलना, चलना उसने, तो कर्ता कारक, ओके, कर्ता कारक और न विभक्ति चिन्ह भी है, ओके। चलिए 96 गया, 97, 97 नंबर पे आते हैं, बाल कृष्ण के अनुसार, ठीक है यार, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक बनता है यार, और कमेंट बॉक्स पर अपना उत्तर 60 में से आप कितना रखे हैं ये बताना, बिल्कुल नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 60 हो गया अकॉर्डिंग टू माई प्रोविजनल आंसर की जो भी है ये, ठीक है, अनऑफिशियल, तो मैं जो बता रहा हूँ इसमें से आपका 60 में से कितना रह रहा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पर बताना। वीडियो देख रहे हैं संयम रख के, तो जरा से हरकत कीजिए उंगली को और एक दो है, इसके बाद कमेंट बॉक्स पर बताकर जाना कि आपका कितना रहा। बाल कृष्ण के अनुसार माता यशोदा उन्हें बार बार क्या, ये देखिए क्वेश्चन भी बहुत इधर उधर कर दिया है, ग्रामर लाकर प्रोज पे, प्रोज पोइट्री पे, पोइट्री पे ग्रामर, शिक्षण विधि सब कर दिया है। मैं जो है सुबह से काफ़ी बिजी होने के कारण जो है मैं अभी अभी सफ़र में था, अभी अभी पहुंचा घर में, उसके बाद जो है मैं आपका बना रहा हूं, मैं क्वेश्चन भी सही तरह से जो है पूरा नहीं लिखा हूं, बस ऐसे ओवरलुक किया था क्वेश्चन को, इसलिए मुझे दिक्कत भी आ रही है, ओके। तो चीज़ ये है कि आप लोगों, यह चीज़ है कि बालकृष्ण के अनुसार माता यशोदा उन्हें बार बार क्या पीने को कह रही है, ओके। अच्छा ये वहाँ से आया है, ओके, ये कच्चा दूध के, मुझे जो है बार बार जो है कच्चा दूध पीने को कह रही है, ओके। तो आंसर की आने के बाद जो भी डाउट है वो तो मैं अगर थोड़ा सा खोज करूँ तो मुझे मिल जाएगा, जो भी एक दो में बताया कि मुझे ये लग रहा है, तो मैं हो सकता तो कमेंट बॉक्स पे आपको भी वो सारा जवाब दे दूंगा, तो आप लोग जरूर अपना आंसर लिखिए। चलिए, निर्गुण कौन देश को वासी, इस पंक्ति के माध्यम से गोपियां निर्गुण ब्रह्मा के बारे में किससे, किनसे प्रश्न करती हैं? उद्धव से कि निर्गुण कौन देश के वासी, के मधुकर हमको समझाए बुस्ती सांस रंगा से कि हम सच समझना चाहते हैं, मजाक नहीं उड़ाती, तो यहाँ पर जो है निर्गुण कौन देश के वासी, उद्धव से गोपिकाएं प्रश्न करते हैं, ओके। मुंबई बड़ा शहर है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। वाक्य में विशेषण के किस भेद का प्रयोग हुआ है? तो मुंबई बड़ा शहर है यानी उसके आकार को बताया गया, तो परिमाणवाचक विशेषण, ओके, सी नंबर, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामी, नहीं, उसके मुंबई बड़ा शहर है तो नापा तोला जाता है उसके आकार को, ठीक है, तो आई थिंक परिमाणवाचक होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही किस, उड़ना, उड़ना अकर्मक क्रिया है, ओके, बी नंबर, उड़ना जो है अकर्मक क्रिया है, ओके। तो अब 60 हो गया, आप लोग अभी अपना काउंट करते होंगे कि कितना रखे हैं, तो जो भी हो आप अभी बताइए या फिर एक बार और एक बार आपका काउंट करके फिर से आके वीडियो पे जरूर बताइए कि आपका 60 में से आपका कितना आंसर सही है, कितना रहा है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं आंसर की आपका आने के बाद, जो आपका ऑफिशियल आंसर की है वो आ जाए, उसके बाद जो है फिर मिलते हैं, जो आपका एक डाउट था 41 पे, वो सांप देना चाहिए कुछ दे दिया था और जो भी है, तो उसे लेकर मैं फिर एक वीडियो ले आऊँगा आपका जो है आंसर की आने के बाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद।